सोमवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 68 केंद्रों पर 11,793 व्यक्तियों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के 6,627 तथा 45 साल के ऊपर के 5,166 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,059 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 734 लोग शामिल रहे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 साल से 44 साल के लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। सीएमओ ने कहा कि 45 साल के ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वह आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाकर पोर्टल से लिंक करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, अर्चना अर्चना किचन टाइट है आपका ना, दूध नहीं किया। आज 74 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है, इसमें से दो केंद्रों पर महिला स्पेशल टीकाकरण चल रहा है, उसमें से एक हमारी जिला महिला अस्पताल पर है और दूसरा हमारी CSC कैंपियरगंज पर है। तो ये दो बूथ जो हैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं, जिसमें महिलाएं टीकाकरण करेंगी और टीकाकरण कराएंगी। और इससे साथ साथ में हमारे दो बूथ जो है अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है, जो एक बूथ हमारा अर्बन PSC बसंतपुर में चल रहा है, दूसरा एम्स में चल रहा है। बाकी जो 42 बूथों पर हमारे 18 प्लस का टीकाकरण चल रहा है और अन्य बूथों पर जो है 45 प्लस का टीकाकरण चल रहा है। इस तरह से हमारा पर डे का एवरेज जो है 14,000 से ज़्यादा का और हम 13,000 तक वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम एवरेज से 10 लाख से ज़्यादा टीकाकरण करें। लोगों में उत्साह है और टीकाकरण कार्य अच्छी तरह से हो रहा है।